आप भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नादरा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? नादरा जी, थोड़ा सा माइक करीब कर लें ताकि आवाज़ हमें आए। नादरा जी, आप बिनते फातिमा रहते हैं, आपको कितने साल हो गए? मुझे 8 माह हुए। अच्छा, आपको भी 8 माह हुए हैं यहाँ पर। आपकी शादी, आप शादीशुदा हैं जी? आपके बच्चे? नहीं, शादी नहीं, अब डिवोर्स हो गए। अच्छा, आपकी डिवोर्स, लेकिन आपकी शादी हुई थी, बच्चे आपके हैं? नहीं, बच्चे नहीं। बच्चे आपके नहीं हैं, तो आपकी डिवोर्स कब हुई थी? मेरे साथ धोखा हुआ, डिवोर्स है ना, मुझे धोखे से दे गए। अच्छा, आपको धोखे से डिवोर्स हुई, क्या हुआ था? पहले मेरी इधर कराची शादी हुई, उधर मेरी 10 साल शादी रही, वो 10 साल मैंने एक कमरे में अकेले गुजारा। वो जिसने शादी करवाई वो खुद उससे सेट थी, मेरे शोहर के साथ ना खुद सेट थी, सिर्फ मुझे एक ना दिखाने के लिए उसने मुझे रखा हुआ था कि ये इसकी बीवी है, मैं अकेली अपने कमरे में रहती। आप कराची से ही आपका ताल्लुक है जी? या किसी और शहर से आई थी? नहीं नहीं, कराची से ही है। अच्छा, तो मैं अपने कमरे में ही रहती थी, खाना पीना वो मुझे कमरे में ही देती थी, सारा दिन मुझसे काम लेती थी, सब कुछ लेती थी, सारा काम करती थी। सुबह फजर के टाइम उठती थी, रात इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में उसकी बेटियाँ ना दोनों जॉब करती थी, सारा कपड़े धोने, बर्तन धोने सब कुछ करती थी। उसके बाद माँ के बाद फिर वो बेटी के पीछे लग गया। वो अम्मी ने इसलिए रिश्ता किया था कि ये नमाजी है, हज किया हुआ है, 2 हज किए हुए थे उसने। अच्छा। मेरे शोर ने आपकी उम्र में कितना बड़ा था वैसे? मैंने आपके उम्र में वो कितना बड़ा था आपका मियाँ? वो सही था मेरी, आप ठीक है, 2 हज किए हुए थे उन्होंने, 52 उम्रे किए हुए थे। तो अम्मी कहने लगी नमाजी परहेजी है, मतलब मेरी बेटी का था, ये नहीं पता था दिल का बहुत काला है। तो जब 52 उम्रे किए हुए थे, 52 उम्रे, 2 हज किए हुए, 2 हज। तो फिर जब अम्मी मेरी अम्मी को बोला उनको नहीं आने देना, 5 गलियों का फासला था, मैंने अपनी अम्मी को बोला अम्मी नहीं आओ, भाई की शादी हुई नहीं जाना, मैं भाई पहले भाई की शादी नहीं गई, 5 गलियों का फासला था। भेजा ही नहीं भाई की शादी पे? नहीं भेजा। सास ससुर वगैरह थे आपके कोई? वो ही थी, फुप्पो थी, वो फुप्पो हाँ। लगती थी रिश्ते में। अच्छा, तो वो नहीं भेजने देती थी। तो इस तरह करके मैंने 10 साल गुजारे, दो दो साल हो जाते थे, मैं अपनी अम्मी की शक्ल देखे, 5 गलियों का फासला था, मैं रोती थी दिन रात। पर मैंने 10 साल उन्होंने उस शोर के साथ गुजारा, मैंने कहा मेरे साथ इसका नाम। फिर भी उसने, फिर उसकी बेटी बड़ी हुई, फिर उसके साथ सेट हो गया, फिर जो उसका अपना मकान था ना, मतलब पहले वो जिसने आपका रिश्ता कराया था, आप कहती हैं कि आपका मियाँ उससे सेट था, फिर उस जो औरत की बेटी थी उसके साथ भी सेट हो गया। जब मैं रोती थी, मेरे एक एक आंसू, मेरे जवानी के दिन थे, जब मेरे हंसने खेलने के दिन थे, तुमने एक एक टाइम मेरा तुमने ज़ाया किया, मेरे माँ बाप को मैंने छोड़ा, मैंने अपने बहन भाइयों को छोड़ा, मैंने मेरे वो किधर जाएंगे? आज वो औरत है ना, बिस्तर पे ना उसकी रीढ़ की हड्डी में कीड़े पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। वो जो अल्लाह ताला ने मुफाती अमल दिखाया, जिसकी बेटी से फिर आपके मियाँ ने निकाह किया? नहीं किया, घर लेकिन उसके नाम किया, घर किया वो फिर ले लिया। उसने क्या किया, रातों रात है ना गली में एक लड़का रहता था, उसके साथ निकाह करके लाहौर भेज दिया। मुझे जैसे डिवोर्स दिया ना, मैं इसको डिवोर्स दूंगा तो मैं इससे शादी कर लूँगा। और वो किसी और लड़की से शादी करके भाग गई? वो किसी और लड़की माँ ने की ही शादी। तो फिर इन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। फिर मैंने अम्मी को कहा कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरा दिमाग थोड़ा वैसा हो गया था, मैं पागलपने में आ गई, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। मैंने इस शोर को ना, खुदा के बाद कहते हैं अपने शोर की मानते हैं, मैंने उस शोर की इतनी की है मैंने। फिर मेरी अम्मी ने बोला बेटा भाभी है ना, तुम शादी कर लो। फिर मैंने, मेरी अम्मी ने ना पिंडी मेरी खाला की जेठानी थी, तो मेरी है ना पिंडी शादी कर दी।
ना घर देखा, ना बच्चे देखे, ना कोई। इतना बुरा एक्सपीरियंस हो गया था उसके बावजूद भी फिर दोबारा शादी कर दी। उसमें भी देखा भाला नहीं कौन है। वो खाला की जिठानी का बेटा था। हाँ, पर उनको पता, चलो जानते हैं, अब जानते हैं, मतलब करीबी रिश्तेदार है। तो जो पहली भी थी वो भी तो रिश्ते की फूफी थी इनके बेटे। वो रिश्ते की, वो हम लोगों की बिरादरी की, बिरादरी थी। हाँ, तो वहाँ जाके देखा, आगे देखा तो बच्चे जवान शादीशुदा, उनके बच्चों की। आपको नहीं बताया था उसकी पहले शादी हुई बंदे की? किसकी? नहीं पता था, उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया था। बस ये नहीं पता था बच्चे हैं, बच्चे बच्चों का भी पता था, ये नहीं पता आगे उनके भी बच्चे हैं। अच्छा, कि ओके, अच्छा वो भी आगे बच्चों की भी शादी हुई है। नहीं नहीं, पोता पोती थी। हाँ, हुई जो 12-13 साल की पोता पोती। अच्छा, अब मैं जब उनके सामने खड़ी होती थी तो सब लोग कहते थे ये तुम्हारे वालिद हैं, ये तुम्हारे वालिद हैं। अब भी मेरे पास उनकी फ़ोटो कापी है शनाख्ती कार्ड पे, तो आप देखोगे ये आपने किससे शादी की। फिर भी मैंने उनके साथ ज़िंदगी गुजारी। अब वो बच्चे ना, मैंने, वो मुझे अम्मी कहते थे। बड़ा बेटा ना 2 साल मुझसे छोटा था उम्र। अल्लाह। फिर भी मैंने ना अपने आप को ढाल लिया। 14 साल मैंने उनके साथ गुजारा। 14 साल के बाद मैंने अपने तबलीग में अपने अल्लाह की तरफ जहन लगा लिया। तबलीग में जाने लगी अपने शोर के। शोर ने मुझे नहीं तंग किया। बच्चे वो गेम खेलते रहे मेरे साथ। अब है ना, फिर उसके बाद है ना, एक दिन ऐसा वो तो बेटी कहने लगी, अबू ये दुकान है ना मुझे दे दो, ही जो हमारा हिस्सा बनता है ना मुझे दे दो। तो उनके अबू ने बोला कि है ना ये तुम्हारी अम्मी की है, अगर मुझे कुछ हो गया कम से कम है ना इनको खर्चा तो इनका चलता रहेगा, कौन इनका ख्याल रखेगा। बस वो बात उनको ऐसी लगी कि ये दुकान भी करेगा तो ये मकान भी इनके नाम कर देगा। उनकी तबीयत जैसे ख़राब हुई ना, बस उनको फिक्र लगे हमारे अबू मर जाएंगे और ये मकान भी दुकान भी इनके नाम कर देंगे। उन्होंने पता नहीं अपने वालिद को क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया, तो वो बस बीमार हुए। उनको पेशाब की तकलीफ है। बड़े बेटे का नाम शहजाद। मैंने, शहजाद अपने अबू को ले जाओ, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो वो लेके गए ना, जाके ताया के घर में छुपा दिया। और मुझे कह रहे अबू को ना वो कोरोना हुआ। हाँ, अबू को कोरोना हुआ। 4 दिन तक मुझे नहीं मिलने दिया। हाँ, तो मैं कह रही मुझे अपने अबू के पास ले, मैंने मुझे दिखा तो दो। कह रहे अबू को मुझे बाहर से दिखा दो। हाँ, तो बड़ी दुल्हन ने क्या करा, पहले मेरा मोबाइल थोड़ा दबा दिया। हाँ, भाई इसका किसी से रास्ता ना हो। फिर 4 दिन के बाद मुझे मेरे जेठ के घर ने, मेरे मामू की बेटी थी। हाँ, तो उसके पास फ़ोन, वो आई मेरे पास, कह रही कराची से फ़ोन आया दादा को ना फालिज का अटैक हुआ मेरे वालिद। हाँ, अब मैं अपने शौहर का उधर मुझे बुखार हो रहा उधर। हाँ, मेरे वालिद का मुझे पता चला कि वो अस्पताल में है। हाँ, पहले अम्मी का मुँह नहीं, अम्मी मुझे मिली नहीं, अम्मी का इंतकाल। अच्छा, उन्होंने आपको एक तरह से बताया कि आपके वालिद, मतलब आपके आप वालिद के पास गई हैं, तो पीछे से फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि तुम्हारे वालिद का मतलब अस्पताल में फालिज का अटैक हुआ। हाँ, उनकी हालत बहुत ख़राब। हाँ, है। अब मैं शोर का सोचूं या वालिद का सोचूं? हाँ, कह रहे अबू ना, अबू को तो मिलने नहीं दे रहे, आप ऐसा करो 2-3 वो लोग कपड़े और ना अबू से मिले और ना अबू इतने आ जाएंगे। कब तक आ जाएंगे? हाँ, मैंने 4 सूट बैग में डाले। मुझे इतनी होश नहीं कि कंबल लेना या कुछ लेना रास्ते में ओढ़ना, कुछ नहीं मुझे होश। बुखार मुझे इतना तेज, बहुत ज़्यादा। मैं अपने वालिद के, मैंने कहा यहाँ तो मिलने नहीं दे रहे वो। तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे बिठाया गाड़ी में, गाड़ी में बिठा के मैं इधर उठी। भाई ने मुझे यहाँ कराची उतारा। तो अब वालिद को देखा तो वालिद के ना सिर्फ बुखार हुआ हुआ था। इधर मैं वालिद को देखा तो मैंने दूसरे दिन मुझे बोला, मैंने कहा भाई मैंने पिंडी जाना है, मेरा शोर है ना अस्पताल में। अब मेरे भाई परेशान, यहाँ पर वीडियो भेज दी तलाक की, वीडियो के जरिए ओ तलाक भेज दी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरे पैरों के नीचे से। मैं कहती मैं किधर जाऊँ, किधर क्या करूँ? मेरे साथ बेटा, मैं तार पे मेरे कपड़े सूखे हुए, फ्रिज में मैं चाय बना रही थी, चाय भी चूल्हे पे मैंने सब कुछ मैंने छोड़ा, सब
बच्चे इस तरह छोड़ के भी सब कुछ भरा घर में इस तरह छोड़ के आगे सिर्फ चार सूट में बैग में डाल के लेके आई। उसके बाद ना फिर भाभी कह रही इसको या तो ये रहेगी या मैं रहूँगी, मैं नहीं रहूँगी। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद बिनते फातिमा में हम मौजूद हैं उन माओं और बहनों के साथ जिनको उनके घर वाले यहाँ पे छोड़ के गए हैं। फिर उसके बाद मैं चार महीने अपनी छोटी बहन के पास रही। यहाँ पे कौन लेकर आया था? फिर मैं छोटी बहन के चार महीने रही तो फिर मैंने अपने छोटे भिनोई को बोला अल्लाह मैं किधर जाऊँ, मैंने तहज्जुद के टाइम दुआ मांगी या अल्लाह मुझे कोई छत ऐसी दे या मेरे तो औलाद भी नहीं है, मेरा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, अल्लाह मुझे कौन संभालेगा। मेरे तो उन्होंने मार मार के मेरे सर में ना मेरे छटके लगते हैं, मेरे ना बहुत ज़्यादा। कौन मारता था आपको? वो दुल्हने मारते थे, बेलनों से मारा हुआ मुझे, मेरी टांगों वेपरों से मारा हुआ, मशीन की तार से मारा हुआ मुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तीन थी बहुएं जो आगे मारती थी आगे जी। तो फिर इनको आपकी बहन बहनोई फिर यहाँ पे छोड़ के गए? इनको मैंने खुद बोला, कोई मुझे ना भाई छोड़ के गया ना बहनोई छोड़ के गया, मैंने उनको खुद बोला। मैं अम्मी का ये ना फातिमा का अम्मी को बहुत देखती थी, मुझे अम्मी का ये ना बिनते फातिमा देखने का शौक था। मैं ना मैंने बोला बिनते फातिमा में मुझे छोड़ गया, वो मुझे इस हालत अम्मी को पता है मुझे किस हालत में आई थी। बहुत बुरी हालत थी इनकी, इस तरह लगे से तो किसी मज़ार पे ना कोई भिखारन बैठी हो ना इस तरह बेचारी, और रोना 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 रोना। लेकिन ये मदीहा एक तो बात है ना कि बिनते फातिमा बनने से इस तरह की बुढ़ापे में माएँ जो इज्जत वाली छत मांगती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो छत इन माओ के लिए बनाई कि कोई माँ ना मौत ना मांगे कि या अल्लाह मौत दे या अल्लाह मौत दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान बड़ा शुक्र है। और जो जो लोग इन माओ को पाल रहे हैं इन माओ की जिम्मेदारी उठाते हैं अल्लाह पाक उनको भी दुगना दे, इनको कम से कम ये मान तो है।